पीएम मोदी की मां हीरा बा का 100 साल का सफर आज थम गया है। जो आंचल परिवार के छाप बनकर 100 साल तक परिवार के साथ रहा, वो साया आज हमेशा हमेशा के लिए परिवार के सिर से हट गया है। सुबह 3:30 बजे हीरा बा ने अहमदाबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली और 8 बजे वो अंतिम यात्रा पर निकल पड़ी। पीएम के लिए उनकी मां हमेशा धैर्य, विश्वास और स्नेह की प्रतिमूर्ति रही। आज उन्हीं मां को पीएम मोदी ने कंधा दिया। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर मां हीरा बा को श्रद्धांजलि दी। पीएम की मां हीरा बा को मंगलवार को अचानक से सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। इसके अलावा उन्हें काफी कफ की भी शिकायत थी। इसके बाद उन्हें आनंद फानन में अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने हीरा बा का एमआरआई और सिटी स्कैन किया। गुरुवार को अस्पताल की ओर से बयान जारी कर बताया गया था कि उनकी तबीयत में काफी सुधार है, लेकिन आज सुबह सुबह उनका निधन हो गया। तो शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम हो गया है। ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपनी मां के लिए हीरा बा 100 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई है। रात को 3:30 बजे आखिरी सांस उन्होंने अस्पताल में ली। बता दें कि सांस लेने में तकलीफ के चलते मंगलवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती कर पाया गया था। ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं, जो बीच में तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीरा बा के कुछ यादगार पलों की ये तस्वीरें हैं। हर बार जब भी कोई बड़ा कार्य करने प्रधानमंत्री जाते थे तो अपनी मां का आशीर्वाद लेना वो नहीं भूलते थे। बिल्कुल रेखा, और रेखा जो पहली तस्वीर यहां पर देख रहे हैं, हम यहां पर मां के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही में 30वीं तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मां के पार्थिव शरीर को उनके अंतिम विदाई में शामिल होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसी भी शख्स को भावुक कर देंगी ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से बेहद अटैच थे रेखा, और उसकी तस्वीरें हमने हमेशा ही देखी। किस तरह से वो जब भी अहमदाबाद जाते तो सबसे पहले वो अपने मां के चरण स्पर्श करते, मां के साथ समय बिताते, चाहे उनके साथ खाना खाना हो, उनसे आशीर्वाद लेना हो। और मां भी हमेशा अपने बेटे के हाथ में कुछ पैसे जरूर देती थी रेखा। बिल्कुल, एक भेंट के तौर पर, आशीर्वाद के तौर पर हीरा बा ने हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम के तौर पर नहीं बल्कि अपने बेटे के तौर पर आशीर्वाद यहां पर दिया। और कोई भी बड़ा कार्य, अभी गुजरात विधानसभा चुनाव सरगम थे तो उस दौरान भी अपने कार्यक्रम की जो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले माता के दर पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे और वहां पर आशीर्वाद अपनी मां का लिया था। जून में ही अभी 100 साल की हीरा बा हुई थी और उस दौरान भी आशीर्वाद और एक खास मुलाकात, खास बात मां ने अपनी बेटी से कही थी। बिल्कुल रेखा, आपने इसका जिक्र किया है। तो 18 जून को जब मां हीरा बा का जन्मदिन था तो उस दौरान उन्होंने अपने ब्लॉग में इसका वर्णन करते हुए अपनी मां के लिए एक चिट्ठी भी समर्पित की, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मां ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की ये वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह अपनी मां के लिए होता है। उन्होंने इस दौरान लिखा था कि मां सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है, और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। और रेखा, जब बात हीरा बा की करें तो उन्होंने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक तमाम संघर्षों का सामना किया। इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में किया, किस तरीके से उनकी मां शादी से पहले भी तमाम संघर्षों का सामना किया और परिवार की तमाम जिम्मेदारी का वहन किया। वो सुबह 4 बजे उठ जाया करती थी, परिवार की चिंता करना, परिवार के लिए खाना बनाना हमेशा उनके जहन में रहता है और रहता था। और इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि जिस कद तक आज उन्होंने अपने बच्चों को पहुंचाया उसमें सबसे ज्यादा योगदान हीरा बा का था। बिल्कुल, और यही वजह है कि आप पीएम की तरफ से इतना माना अपनी मां को जाता था। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत को अपनी मां के आशीर्वाद से करते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्नेह है उनके शब्दों में आज भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कितना भावुक वो है और किस तरीके से अपनी मां को वो याद कर रहे हैं। बिल्कुल, और रेखा तस्वीरें इस वक्त जो आ रही हैं मुझे लगता है काफी भावुक कर देने वाली। मुख्य अग्नि की ओर यहां पर बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहले हम सभी ने देखा अंतिम विदाई में शामिल हुए, उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया और यहां पर मुख्य अग्नि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए। सेक्टर 30 का ये शमशान ग्रह है,
बिल्कुल, तो 100 साल की उम्र में आखिरी सांस ली और जो आखिरी क्रियाएं होती हैं उनको अंजाम इस वक्त दिया जा रहा है शमशान घाट में। यहां पर पार्थिव शरीर गांधीनगर में रखा गया है हीराबाग का, जहां पर अब से कुछ ही देर में मुखाग्नि दिए जाएंगी बड़े बेटे की तरफ से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं, दो भाई हैं प्रधानमंत्री और उनके भाई, और यहां पर मुखाग्नि जो है बड़े बेटे की तरफ से उनकी मां को दी जाएगी। फिलहाल बता दें कि चारों तरफ से पूरे देश भर से जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस दुख की घड़ी में यहां पर आश्वस्त किया जा रहा है, उनको सहारा दिया जा रहा है शब्दों के जरिए, ट्वीट के जरिए। यहां पर रक्षा मंत्री ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और पूरे देश भर से यहां पर इस वक्त हर किसी की आंखें नम है, क्योंकि एक अटूट रिश्ता यहां पर एक तरीके से सरगम कहें कि आज टूट गया है। 100 साल बाद आज हीराबा इस दुनिया को अलविदा कह के चली गई है और एक शून्य यहां पर छोड़ गई है वो। बिल्कुल, शून्य छोड़ गए हैं और किसी भी पुत्र के जीवन में उसकी माँ की क्या अहमियत होती है, मुझे लगता है ये शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और इस वक्त जो तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम लगातार देख रहे हैं, उनकी आज आंखें जो हैं काफी नम नजर आ रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पुत्र के जीवन में जब ऐसा वाक्या होता है कि उनकी माँ हमेशा हमेशा के लिए उनको छोड़ के चली जाती है, तो शायद ऐसा ही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ पूरे देश की जिम्मेदारी का वहन करते हुए, वहीं दूसरी तरफ अपनी माँ को अंतिम विदाई देते हुए भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से रेखा आपने कहा, एक शून्य हो जाता है जब आपके अपने खासतौर पे आपकी माँ आपको छोड़ के चली जाती हैं। यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो क्रियाएं होती हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। और 6 बच्चे थे हीराबा के, जिसमें आज जो सबसे बड़े बेटे हैं वो मुख्याग्नि देंगे। और तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप दिखा सकते हैं। सबसे छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ हीराबा रहती थी और उन्हीं के घर पर तमाम परिवार वाले वहां पे इकट्ठे हुए। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के चरणों में पुष्प अर्पित किए, उन्हें यहां पे श्रद्धांजलि देते हुए हाथ जोड़ते हुए, और सब भावुक यहां पर नजर आ रहे हैं। परिवार के तमाम जो लोग हैं वो पंकज मोदी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे छोटे भाई हैं, उनके घर पर यहां पे एकत्रित हुए। पीएमओ के भी तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द यहां पर नहीं किया है रेखा, ये यहां पे समझने वाली बात है। सोचिए एक पुत्र जिसने अपनी मां को आज खोया है, कितना भावुक ये क्षण है उनके लिए, और बावजूद इसके अपने कर्तव्य से वो पीछे नहीं हटे हैं। जो तय कार्यक्रम थे कोलकाता में, वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाना, कहा जा रहा है कि वीडियो लिंक के जरिए प्रधानमंत्री अब से जुड़ेंगे और हरी झंडी यहां पर दिखाएंगे। देखिए अब जिस तरीके से मां के जो शब्द थे उन्हीं शब्दों पर खरे उतर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। एक शिक्षा जो मां ने दी है उस शिक्षा को यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे से निभाया भी है, और यही वजह है कि आज मां के अंतिम दर्शन के लिए, मां के जो अंतिम विदाई के लिए वो शामिल होने के लिए अहमदाबाद पहुंचे हैं। और उसके बाद जो कार्यक्रम है उसमें भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेने वाले हैं। तो कर्तव्य पथ पर चलना है जिस तरीके से मां ने भी कहा था उनसे, तो उस बात को बिल्कुल धरातल पर उतारते नजर प्रधानमंत्री आज भी आ रहे हैं।